फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस। ये प्रेडिक्शंस हैं फ्रॉम द डेट 17th ऑफ जून 2019 टिल 23rd ऑफ जून 2019 तक। तो चलिए शुरू करते हैं राशि के साथ। सबसे पहली है एरीज राशि। भाई एरीज राशि वाले, आप इस हफ्ते में बहुत सारी चीजों का सामना करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको एक चॉइस, एक पर्टिकुलर थिंग को अपना बनाने में डिफिकल्ट है। यू नो व्हेन वी हैव टू मेनी चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस, वी गेट कंफ्यूज्ड, वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो ऐसी सी सिचुएशन मुझे इस हफ्ते में आपके लिए नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने, या एक दो चॉइसेस हैं आपके सामने, एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो ये जो वीक है, ये आपके लिए है सोचने का, समझने का और फिर डिसीजन लेने का, ताकि आपका डिसीजन लॉन्ग टर्म रहे और आपको फ्यूचर में फायदा ही फायदा दे। टॉरस राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा डल और डार्क होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेसिव सा मूड दिखाई दे रहा है। किसी बात से आप हर्ट हैं या किसी काम के ना होने से आप हर्ट हैं, और ये पूरा वीक आप थोड़े से ग्लूमी रह सकते हैं उस काम के या उस पर्सन के आपको हर्ट करने की वजह से। बट मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए और ले जाइए। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, तो एक्चुअली दैट इज द ओनली थिंग वी ह्यूमंस कैन डू। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसकी नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा घुस मत जाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप कहते हैं ना, दलदल में फंसते ही चले जाएंगे, नेगेटिविटी में फंसते ही चले जाएंगे। आई वुड सजेस्ट अपने साथ ऐसा ना हो। जेमिनी राशि, वे जेमिनी राशि वाले काफी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे कि लोग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबॉडी, एंड यू आर जस्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। बहुत ही रिस्क टेकिंग वाला वीक मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि दैट वन चॉइस कैन टर्न योर लाइफ इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट कैन फेच यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। लेकिन फिर भी आपको प्यारे ये सजेस्ट कर रहा है कि सोच समझ लीजिए। आपको स्पेशली ये सोचने और समझने की जरूरत है कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपका वेल विशर नहीं है, आपको किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप दिमाग, आंख, कान सब खोल के रखेंगे तो आपके लिए फैसला लेना इजी होगा। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी रिस्क में भी एंटर कर रहे हैं तो वो रिस्क भी आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। कैंसर राशि वाले, भी कैंसर राशि वाले उदासीनता से घिरे हुए मुझे इस हफ्ते में आप नजर आ सकते हैं। बहुत कुछ अचीव किया है आपने लाइफ में, लेकिन कोई एक चीज आपकी जो है वो मिस हो गई है, और उस एक चीज को आप बहुत ही ज्यादा दिल पे लगा बैठे हैं कि मैं ये काम भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाई, अगर कर पाती तो मेरे लिए अच्छा होता, ये कर पाता तो मेरे लिए अच्छा होता। देखिए, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ, हर समय सिर्फ हमारे साथ अच्छा अच्छा होता रहे, हर समय हमारा मूड हैप्पी रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को, अप्स एंड डाउन्स को फेस करें, चैलेंजेस को फेस करें और आगे बढ़ते जाइए। बस सजेशन टैरो आपको यही दे रहा है कि बिल्कुल भी उदास ना हो, बिल्कुल भी डिप्रेसिव मूड में ना जाए, डल मूड में ना जाए, तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छे से कट जाएगा। लियो राशि वाले, भी लियो राशि वाले, अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई नया लव रिलेशनशिप मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ सा नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आप डिसाइड कर सकते हैं, शादी के बारे में सोच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए सोच सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का है, हर तरह से आप किसी एक नई चीज को अंजाम देना चाहेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये हफ्ता जो है आपके लिए डिसाइसिव हफ्ता है, डिसीजन लेने का वीक है। गो अहेड, कीप ऑन मूविंग, एंड ऑल द बेस्ट टू यू।
सारे भाई वर्गो राशि वाले इमोशनली अपने आप को एक नई शुरुआत दे सकते हैं इस हफ्ते में। हो सकता है कोई एरिया ऑफ आपकी लाइफ या हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका एक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा था, एंड देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा नॉट लाइकेबल, नॉट व्हाट यू वांटेड इट टू टर्न एज, इस तरह से चल रहा था। बट ये हफ्ता मुझे एक नई शुरुआत का दिखाई दे रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें एक नई दिशा देने की, एक अच्छी दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस वीक इज ऑल अबाउट बीइंग विद योर लव्ड वंस। लिब्रा राशि वाले भी लिब्रंस इस हफ्ते बहुत ही सैटिस्फाइड, बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपको वो जॉब भी मिल सकता है। अगर आपने किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग की थी, अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप बट अ पार्टनरशिप आल्सो स्टार्ट की थी, तो वो भी आपको एक सेटिस्फैक्टरी आउटकम दे सकती है। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, और अगर साथ ही अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ये हफ्ता है जब आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। So this week is the week of action. All the best to you. Scorpio राशि वाले भी, Scorpio राशि वाले किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोग घिरे हुए थे जहां से आपको लग रहा था कि निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है और आपको परेशानी आ रही थी, इमोशनल टर्मोइल्स आप फेस कर रहे थे उस सिचुएशन की वजह से। पर मैं बता दूं, ये हफ्ता है जब आप ऐसी एक सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है या बाहर निकल बहुत आसानी से जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, यू आर गोइंग अवे विद दैट टाइम दैट वाज नॉट गुड, बैड एंड वाज नॉट अकॉर्डिंग टू यू, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट टाइम। Keep on working on problem solving, keep on working on focusing on the solution. आपको सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किस सोल्यूशन की जरूरत है उस पर आप फोकस करते रहे। This week will definitely do wonders for you. Sagittarians, वे Sagittarian राशि जिनकी है उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मूड स्विंग से गुजर सकते हैं। आप अच्छा, कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी बिल्कुल अच्छा फील नहीं करेंगे, कभी डल फील करेंगे, कभी हैप्पी फील करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट मूड स्विंग्स। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू हैपन इन दिस वीक विद यू। मूड स्विंग्स होना कोई बुरी बात नहीं है, सबके साथ होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर समय हम अच्छा अच्छा फील करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी फील लो आल्सो, लेकिन जब आप उस लो टाइम में हैं, जब आप लो फील कर रहे हैं, तब आप कोई डिसीजन ना लें, तब आप किसी पे किसी तरह का ब्लेम ना लगाएं, क्योंकि ये आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो ऐसा ना करें। इफ यू आर फीलिंग डल, ट्राई टू डिविएट योर माइंड फ्रॉम दैट डल और नेगेटिव थिंग, try to do something that can give you or elate your mood or uplift your mood. ऐसा कुछ करें तो आपके लिए ये हफ्ता आसानी से निकल जाएगा। Capricorn राशि वाले भी, Capricorn राशि वाले जैसा सोचा था, जैसा निश्चय किया था, वैसा कर पाएंगे आप इस हफ्ते में। Things are taking up the shape that you had wished from a long, long, long time. आगे बढ़ रहे हैं आप, अपने आप को कंडीशन कर रहे हैं, सिचुएशंस को अडैप्ट करते जा रहे हैं, हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यू हैव बिकम डिटरमिन्ड कि आपको जो चाहिए, जो हासिल करना है वो आप करके रहेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अपने मेंटल पावर्स का यूज कीजिए। मेंटली देखिए, जब हम थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं या थोड़े से स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तब हम, हो सकता है अपने पाथ से डिवेट हो जाए, लेकिन अगर हम फोकस्ड हैं, मेंटली फोकस्ड हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, आवर टारगेट इज सेट, आवर गोल इज सेट, तो वो गोल अचीव करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसी ही एक सिचुएशन आपके लिए है, दिस वीक इज ग्रेट फॉर यू। ऑल द बेस्ट। अब कोई
कुंडलिनी राशि वाले भी, कुंडलिनी राशि कुंडली राशि अगर आपकी है तो बहुत ही अपने आप को चीटिंग फील कर सकते हैं इस हफ्ते में। हो सकता है कोई आपको मॉनिटरली चीट कर ले, या हो सकता है कोई आपको इमोशनली चीट कर ले। आप सोच रहे थे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स जो निकल के आए रिलेशनशिप के बारे में, विच माइट नॉट लीव यू वेरी हैप्पी। सिमिलरली अगर आप मॉनिटरली कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के लगाएं, किसी को दे सोच समझ के पैसा। कोई आपसे उधार मांगने आए तो बस आंख बंद करके ब्लाइंडली पैसा दे ना दे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी राशि है पाइसियंस। पाइसियंस बहुत अच्छा वीक है, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा एंथुसियास्टिक फील करेंगे, फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज फील करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा मुझे टैरो मैसेज दे रहा है। आइडियाज बहुत नए नए हैं आपके पास, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, ऐसा मत करिए। क्योंकि सोचने में तो किसी का पैसा लगता नहीं है, वी कैन थिंक एनीथिंग वी वांट, बट देन द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दोज आइडियाज जो हमने सोचे हैं, वही एक्चुअली हमें उस गोल तक ले जाता है जो हमने अपने लिए डिसाइड किया है, टारगेट किया है। सो खाली सोचे ना, खाली ख्याली पुलाव ना पकाए, उन पे एक्ट करने की भी कोशिश करें, तो आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शंस। मेरे प्रेडिक्शंस आपको कैसे लगते हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज अपना मैसेज अपना मेल के साथ अपना नंबर जरूर लिखिए, ताकि मैं आपको कॉल बैक कर सकूं। इसी के साथ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। I'll be more than happy to see you at my Instagram page also. इसी के साथ आप